रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जॉनी चौधरी ने 92 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में जॉनी चौधरी के पहुंचने पर खिलाड़ियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बता दें कि जॉनी चौधरी हमीरपुर महाविद्यालय के खिलाड़ियों को कुश्ती के दांव पेंच का प्रशिक्षण सुबह शाम देते हैं और स्वयं भी अभ्यास करते हैं। जॉनी चौधरी ने खिलाड़ियों को कड़ा परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है। अपनी सफलता के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पिछले 3 साल से लगातार मेहनत कर रहा था और मैं अपने जो सफलता के लिए अपने गुरु अपने भूपेंद्र जी, पवन सर और जगदीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी राह दिखाई और मुझे प्रैक्टिस के लिए प्रेरित करते रहे और मुझे हर वो फैसिलिटी दी जो मुझे मेडल तक पहुँचा सके जी। आप नए जो पहलवान हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है इनके लिए कि कड़ी से कड़ी मेहनत करें और हमें जो है यहाँ पर मीटों में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है। हमारे पास इंडोर ट्रैक है, इंडोर हॉल है और हमारे पास वो हर वो सुविधा है जो कि एक अच्छे सेंटर के लिए होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल जो लड़के हैं वो यहाँ से हमारे के साथ जुड़े और यहाँ पे हमारे पास आए और हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे और हम का पूरा शेड्यूल बनाएंगे आने वाले टूर्नामेंट। धन्यवाद। थैंक यू। हिमाचल में जो खेल है ना वो बड़ी मतलब दूर की सोच है। सोच इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हमारे बच्चे जहाँ ज़्यादा जो है भर्ती होने तक सोचते हैं कि हमें भर्ती होना है, उसके लिए हम फिटनेस लेवल कर लेते हैं, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं, कभी भी। आप लोगों को अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच रखिए। और ये जो गेम है ना, ये ऐसा नहीं कि भी 2 महीने की ट्रेनिंग ले ली, 3 महीने की ट्रेनिंग ली, 4 महीने की ट्रेनिंग ले ली हमने, उसमें हम अपने आप को निखर आए ऊपर और हमने मेडल दे दिए। मैं 2001 से मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए। और मैं जब मैंने शुरू की थी, मैं 2001 में शुरू की थी और आज जो है आपके आगे कितना समय हो गया मुझे। मेडल जो है आपके ना कभी भी ऐसा नहीं आया कि भी 4 महीने की मेहनत, 6 महीने की, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना कि आपको एक फर्स्ट से लेकर PhD तक टाइम लगता है उतना ही टाइम गेम में भी लगता है। या आप लोग ना चाहे फिजिकल के बच्चे हैं चाहे कोई भी यहाँ पे स्पोर्ट्स करता है, लंबा टाइम लगेगा किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। और आप लोग किसी एक चीज़ को लेके चलें कि मैंने ये चीज़ करनी है, उसी पे फोकस करें। अब हमारे यहाँ पे एकेडमी चलती है, हमारे बच्चे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, तो भी रिजल्ट नहीं आते हैं। क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आए 1 साल ही हुआ है और हमारी एकेडमी पिछले 4 साल से चल रही है, तो हम इंतज़ार यही कर रहे हैं कि हम नेशनल लेवल पर कब अच्छा कर पाएंगे। मेरा मेडल आया, मेरे पास एक्सपीरियंस है, 20 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ। और आपको इसमें स्पोर्ट्स कोटे में जॉबें भी मिलती हैं अच्छी, अगर आप अच्छा जिस तरह का आपका मेडल होगा उसी तरह की आपकी जॉब भी मिलेगी। देखो, रैंक चाहे कोई भी मिले आपको, अगर स्पोर्ट्स से मिला होगा तो आप एक अलग ही पहचान बनेगी। और खेल आपको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको शारीरिक स्थिति आपको मजबूत करता है, खेल जो है आपको हर एक जगह काम आएगा, आपको हर एक जगह जीवन में। मुझे लगता है कि मैंने आज तक किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर लिया हो अपने ऊपर, मैं हारा भी हूँ, जीता भी हूँ, मैंने गोल्ड भी लिए हैं, मैं ऐसा भी हो मैं खाली हाथ भी आया हूँ। आज मेरी उम्र 34 साल का हो गया हूँ मैं, तो मैं अभी भी मेडल दे रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ ठानी थी कि मैंने अगर यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट की तो मुझे बच्चों को थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि मैं भी किसी टाइम खेलता था और मैं प्लेयर हूँ। सबसे पहले मैं जॉनी चौधरी को राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जॉनी चौधरी जी हमारे महाविद्यालय के जो पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें भी कुश्ती का प्रशिक्षण देते हैं, सुबह शाम ये बच्चों की ट्रेनिंग करवाते हैं। और हमारे जो खिलाड़ी वर्ग हैं, जब उन्हें पता चला कि जॉनी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है, उन्होंने इनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इसलिए मैं पुनः जॉनी चौधरी जी को मुबारकबाद देता हूँ और भविष्य में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें इसकी आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत खुश हैं हमारे गुरुजी जॉनी चौधरी जी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आए हैं, आने वाले समय में हम भी उनके जैसे मेहनत करेंगे और देश के लिए गोल्ड लाएंगे। और पिछले 4 साल से ये नेशनल लेवल पे मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कोई मेडल है वो हर मेडल जीत रहे हैं, पर लगातार मेडल जीत रहे हैं। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हिमाचल प्रदेश से पहली बार गोल्ड जीतने वाले
जॉनी चौधरी। मुझे बहुत आनी है। आपका सर, मैं आज स्पेशल आप लोगों से मिलवाने के लिए आप इनको रिक्वेस्ट की थी, अदरवाइज इन्होंने जाना है। ये पिछले 10-15 दिनों से बाहर भी हैं और अभी इन्होंने कहीं जाना है, ऑफिस भी जाना है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सर इंस्पेक्टर की पद पर कार्यरत हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मिलाने के लिए ही मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ, ठीक है। आपके दिलो दिमाग में जो भी प्रश्न है खेल से संबंधित, देखो हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है यहाँ से आप पहलवान की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप पिछला इतिहास देखेंगे हिमाचल का तो यहाँ आपको एक भी पहलवान नहीं मिलेगा जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता हो या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, एक भी नहीं हो। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब यही चलता है, महाराष्ट्र, और जो हरियाणा में फर्स्ट या दिल्ली में फर्स्ट आता है वही नेशनल लेवल पे या इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पर उन लोगों के साथ कम्पीट करना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एट द एज ऑफ 16 भारत कुमार पूरे इंडिया के जो टूर्नामेंट होते हैं उनका ट्रॉफी जीती है उन्होंने, गोल्ड मेडल जीता एट एज ऑफ 16। तो ये छोटे से ही सर कुश्ती में अभ्यास करते आए हैं और आज जो ये सफलता अर्जित की है इन्होंने, ये पिछले कई सालों से सफलता अर्जित करते आ रहे हैं, वो इनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारी रिक्वेस्ट पर ये पहले गुवारवी कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, वो उनके पास आते थे, हमने रिक्वेस्ट की, मैंने रिक्वेस्ट की इनकी कि आप आओ और हमारे जो हिमाचल के हमीरपुर के जो बच्चे विशेष तौर पर या हमारे कॉलेज के बच्चे हैं इनको आप ट्रेनिंग दो, और ये यहाँ आए पिछले 7-8 महीने से यहाँ हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी आप ही के क्लास के बीए फर्स्ट ईयर के दो बच्चे हैं विजय और अजय, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं इंडिया में फर्स्ट। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।